नमस्ते लड़के लोग और लड़की लोग, ये हम आज एक शेरी को पूछो वाला वीडियो कर रहे हैं। हम नॉर्मली आस्क शेरी करते हैं, तो मैंने सोचा आज हम हिंदी में करेंगे, तो ये अभी शेरी को पूछो वाला वीडियो होने वाला है। आप लोगों ने बहुत ही प्यार से अपने प्रश्न भेजे हैं, तो हम शुरू करेंगे। अच्छा, पहला प्रश्न है, अभी ये शब्द मुझे हिंदी में पता नहीं कि मैं कैसे दूसरे YouTube पे वीडियो बनाने वाले लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ, और इन्फ्लुएंस का मुझे हिंदी में शब्द नहीं पता है, तो क्षमा कीजिए। मैं अपनी दुनिया में ना खोई रहती हूँ, और मुझे अपना जो वीडियो बनाना है मैं वही सोचती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ कि दूसरा कौन क्या बना रहा है और क्यों बना रहा है और कैसे बना रहा है। और मैं अभी आजकल तो ज़्यादा दूसरे वीडियो देखती भी नहीं हूँ। जो भी मैंने पहले सब्सक्राइब किए हुए थे वो है, पर मैं हार्डली यूट्यूब पे जाती नहीं हूँ दूसरे वीडियोस देखने के लिए। शायद इसलिए मैं दूसरे वीडियो क्रिएटर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ। मैंने कौन सा आखिरी हिंदी पिक्चर या शो देखा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी वाले पिक्चर और शोज़ देखती हूँ, ये सही है। आखिरी वाला मैंने जो देखा है वो डेली क्राइम है, और वो बहुत ही बेहतरीन शो है। मैं बोलूँगी सबको के देखे, और वो मेरे अगले महीने के फेवरेट्स में पक्का होगा। सयाली जी पूछ रही हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने बॉम्बे में जी है, तो मेरी ये यहाँ की भाषा इतनी ख़राब क्यों है और मेरा एक्सेंट ऐसे क्यों है। उसके लिए मैं एक ही वाक्य में जवाब दूंगी, मैं पारसी हूँ, आप समझ जाओगे। अब बहुत लोगों ने पूछा है कि मुझे टीबी होने के बाद क्या मैंने अपने आप में क्या बदलाव लाया है, या मुझे क्या जैसे कुछ अंदर से जागरण हुआ है। तो हाँ, बहुत मैंने बदलाव लाया है अपने खाने पीने में। अभी मैं बहुत ज़्यादा खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना वज़न घटाया था, तो अभी मुझे वज़न बढ़ाना था, तो मैंने अभी क्या 4-5 किलो बढ़ाए हैं। और मैं अब बहुत खाती हूँ, मतलब दिन में 3-4 बार इतना खाती हूँ, और बहुत हरे सब्जियाँ खाती हूँ, बहुत मांस मच्छी खाती हूँ। मेरा प्रोटीन डाइट है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। और मेरे दिमाग में जो बदलाव आया है वो है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर चीज़ का कोई कारण होता है, हर चीज़ किसी कारण के वजह से होती है, तो ये भी किसी कारण के वजह से हुआ है, और मुझे इससे सीखना है और ज़्यादा तंदुरुस्त होना है और जीवन में बढ़ना है, और इसको एक सीखने वाला एक्सपीरियंस माफ़ करना, मुझे उसका शब्द नहीं पता है, जैसे लेना है। शिवानी जी पूछ रही है कि वैभव के साथ आपकी सबसे पसंदीदा दार और अनुभवी छुट्टी के बारे में बताइए जी। मेरी सबसे पसंदीदा छुट्टी तो मैं बोलूँगी न्यूयॉर्क की थी, जब हम एंगेज हो गए, हमारी मंगनी हो गई थी वहाँ पे, और तो वही सबसे पसंदीदा छुट्टी है, क्योंकि उस छुट्टी के मुझे बहुत अच्छे सोच विचार हमेशा आते रहेंगे, और न्यूयॉर्क मेरा प्रिय है, तो मुझे वो सबसे अच्छी छुट्टी लगती है। ये थोड़ा प्रश्न, दो प्रश्न हैं कि क्या मैंने अपने सारे सपने जो मेरे थे जीवन के बारे में, क्या वो सच हो गए हैं, और या दुनिया दूसरी तरफ जा रही है और वो मेरे सपने भी चले गए। मैं बोलूँगी हाँ और ना। तो कोई सपने ऑब्वियसली, मुझे माफ़ कीजिए, कोई सपने ज़रूर सच हो गए और कोई नहीं हुए, पर वही तो ज़िंदगी है कि अगर सब चीज़ें जो हम चाहते थे वो अगर आसानी से हो जाते तो क्या
मज़ा ही नहीं आता और कोई वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में चैलेंज होना चाहिए लाइफ में और उसी से मतलब सपने जब पूरे होते हैं वो हमको खुशी होती है। अगर आसानी से कुछ मिल जाता है तो फिर वो सपना ही नहीं होता है, वो बस ऐसे ही हो जाता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी हाँ होते तो है बहुत सपने नहीं सच, पर वो भी जीवन का एक भाग है। अगला प्रश्न, आप बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप अभी जो नए नए वीडियो देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं और मैंने क्या जादू छाया किया है और ये एडिट बहुत अच्छे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं किसी को बुलाऊंगी, आप ज़रा आएंगे ये बाजू कैमरा के उस तरफ। एक बहुत ही प्यारा सा लड़का है साहिल और ये अब मेरी मदद कर रहा है और इसकी वजह से आप जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही सुंदर और अच्छी स्क्रीन पे लग रही हूँ। तो हाँ अभी साहिल मेरी मदद कर रहा है। एक ऐसा रूम जिसका खिड़की ना दरवाज़ा, बताओ क्या मतलब, ये क्या है आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये आप मेरे कमरे के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मेरे कमरे में खिड़की है और दरवाज़ा भी है, ऐसे कौन सा कमरा है जिसमें ना खिड़की या दरवाज़ा होता है? पता नहीं, आप लोग जवाब दे दीजिए। अभी ये अगला वाला मुझे नहीं लगता प्रश्न है, ये व्यक्ति ने मुझे बोला है कि मैं बहुत ख़राब दिखती हूँ, तो मैं क्या जवाब दूँ उसका। मैं मुझे नहीं लगता मैं ख़राब दिखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ और आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि आप खुश रहे जीवन में और आप दूसरे लोगों के व्यवहार या उनके सौंदर्य के बारे में ऐसे चीज़ें ना बोले, वो मैं प्रार्थना करूँगी। सुकन्या जी पूछ रही हैं कि अभी मैं गाड़ी बराबर से चलाती हूँ या थोड़ा थोड़ा चलाती हूँ। आप लोगों ने मेरे अगले व्लॉग में देखा था कि मैंने चलाना शुरू किया है और हाँ मैं अपने ड्राइविंग स्कूल में गई थी और मैंने 20 सेशन ख़त्म किए हैं और अभी मैं डर डर के चलाती हूँ। अभी वापस एक हफ्ते से नहीं चलाया है तो वापस भूल जाऊंगी, तो मुझे अभी वो प्रैक्टिस के फेज़ में हूँ, अभी तक मैं अकेले नहीं चलाती हूँ। ये प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर मुझे वैभव को कुछ बोलना है जो दूसरे लोगों को नहीं पता होता है, वो क्या होता है मुझे नहीं पता हिंदी में, जैसे हम बोलते हैं उसको मैसेज कर लेती हूँ। अगर बहुत लोग होते हैं तो मैं उसको मैसेज कर लेती हूँ जो मुझे बोलना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे एक भाषा नहीं है जो दूसरे लोग नहीं समझते हैं। मैं गुजराती बोलती हूँ अंग्रेज़ी के अलावा और मराठी बोलती हूँ, पर वो हिंदी बोलते हैं और हिंदी तो सब समझ जाते हैं, तो हाँ हम लोग मैसेज कर देते हैं। क्या बोलूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मीठा, मैं कुछ भी मीठा, उसमें शक्कर हो तो मैं खा जाऊंगी। क्या मेरा कभी फैन गर्ल मोमेंट हुआ है, विसर में बताइए। विसर का मतलब क्या होता है वो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरा फैन गर्ल मोमेंट बिल्कुल हुआ है। मैं बस एक ही आदमी के लिए फ़ैन गर्ल करती हूँ पूरी दुनिया में, वो आप जानते हैं कौन है, वो है लुइस हैमिल्टन। और अब बहुत ही साल पहले, मतलब 5-6 साल पहले जब वो इंडिया में आए थे यहाँ नोएडा में F1 के रेस के लिए, तब मैं उनको वहाँ एक इवेंट पे मिली थी और मैंने ऐसे लाइफ में कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था कि वो मेरे सामने थे और मैं बस ऐसे देख रही थी और मेरी बहन पीछे से मुझे धकेल रही थी कि जा जा फ़ोटो ले फ़ोटो ले फ़ोटो ले, और फिर मैंने ऐसा फ़ोटो लिया है जो यहाँ पे है और इतना सुंदर नहीं है, पर मैं इतनी हिल गई थी उसको देख के कि वो मेरे इतने पास है कि मैं अपने आप को कुछ एक्सप्रेस ना कर पाई, ना कुछ बोल पाई। उसने उसका बुक पे भी मुझे साइन करके दिया और मैं बस, वो इतना जल्दी हो गया कि उसके बाद वो चला गया और मैंने कुछ बोला भी नहीं।
क्या मुझे बाल कटाने में मजा आता है? हाँ हाँ हाँ, मुझे बाल कटाने में इतना मजा आता है, मैं क्या बोलूँ आपको। जब मैं ऐसा ताज़ा वाला बाल कटा के आती हूँ ना, तो वो ये इधर से ऐसे करने का, मुझे बस पूरा दिन मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, इतना मज़ा आता है। और आपके छोटे बाल होते हैं तो आप जब काटते हो ना, तो वो जब बाल हाथ को लगते हैं तो इतना मज़ा आता है, उसके ही लिए मुझे बाल कटाने में मज़ा आता है। और उसके अलावा मुझे बस ये देखने के लिए कि कैसे लगते हैं हम नए नए कट के साथ, या कुछ क्या कर सकते हैं, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है कि हर टाइम मैं जाती हूँ मुझे वो खुशी होती है कि आज मैं बाल कटा दी। कुछ लोगों ने पूछा है कि मैं किससे सबसे ज़्यादा डरती हूँ। पहले तो मैं सांपों से डरती थी, पर अब वो इतना नहीं है, क्योंकि आपने देखा था मेरे ऑस्ट्रेलिया व्लॉग में मैंने इतना बड़ा सांप अपने ऊपर डाल दिया था। उसके बाद मैं अब सांप से तो इतना नहीं डरती, मतलब ऐसे पाले हुए सांप से ऐसे आ गया तो मैं ऑब्वियसली डर जाऊंगी। पर उसके अलावा क्या डर सकती हूँ, मुझे शार्क से ऐसे लगता है कभी कभी कि हम लोग दरिया में जैसे कहीं होते हैं तो लगता है कि अचानक से शार्क आ जाएगा नीचे से, डिंग 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 डिंग, तो उससे डरती हूँ। अब ये थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, पर मैं इसका जवाब दे दूँगी क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं टावर ऑफ साइलेंस के बारे में, या डूंगरवाड़ी, जो जहाँ पे हम मर जाते हैं पारसी लोग, तब हम वहाँ जाते हैं और क्या होता है। तो पहले तो मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने पारसियों के बारे में बताया था, वो मैं इधर लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। हम लोग पारसियों में अब जब मर जाते हैं तो हमारी लाश को एक कुएं जैसे जगह, बहुत बड़ा कुआं होता है, बिल्डिंग के जैसे बड़ा कुआं, उसके अंदर डाल देते हैं। और उसमें फिर क्या बोलते हैं उसको, चील तो ईगल हो जाता है, वल्चर्स आते हैं और वल्चर्स हमें खा जाते हैं। हमारा क्या, जैसे हम सोचते हैं कि हम जाते समय भी अपने आप को दे देते हैं धरती को या दुनिया को या जो भी, और फिर हमारी जो आत्मा है वो ऊपर चली जाती है, और मांस मच्छी तो ये सब खा लेते हैं। तो वो होता है डूंगरवाड़ी में। और जो पारसी नहीं होते वो बस थोड़ी ही जगह तक आ सकते हैं, उसके बाद वो लोग अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो हाँ, हमारे मरने के बाद ऐसे होता है। आपको हिंदी में सबसे मुश्किल कौन सा शब्द पता है? मुश्किल तो मुझे कौन सा शब्द पता होगा, सहानुभूति, क्रोधित, कंचन जी पूछ रही हैं कि मैं मांस मच्छी के बिना कितने दिन गुजारा कर सकती हूँ। अब वैसे तो मैंने ज़्यादा दिन गुजारा नहीं किया है सच बोलूँ तो, क्योंकि मुझे मांस मच्छी से प्यार है। और अब मुझे पता है सारे वीगन लोग आप बोलने वाले हैं कि ये कैसी लड़की है, बंद करो खाना ये सब, पर प्लीज़ आप कृपया करके शांत रहिए। मुझे मांस मच्छी बहुत पसंद है खाने के लिए, और मैं रोज़ खाती हूँ, तो मुझे लगता है ऐसे 2-3 दिन तो कटा सकती हूँ, पर उससे ज़्यादा शायद मुश्किल हो जाएगा। बॉम्बे में अपनी पूरी ज़िंदगी जी है मैंने, हाँ, तो मुझे इससे क्या सबसे ज़्यादा प्यार है, मैं बोलूँगी बॉम्बे में एक, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, अंग्रेज़ी शब्द जो मैं ढूँढ रही हूँ हिंदी में, वो है वाइब। एक शहर का वाइब होता है, और बॉम्बे का एक जो वाइब है कि हम, मतलब लोग हमेशा जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको कुछ बनना है, प्यास है, प्यास, बड़े बनने की या कुछ बनने की प्यास है। तो मैं वो बोलूँगी कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों में इतना प्यार है, और वो उनको सब चीज़ जो करते हैं उससे बहुत प्यार है, और उनको बढ़ना है आगे, और हमेशा कुछ करते रहना है, ऐसे सोते नहीं हैं लोग और बस ऐसे चिल नहीं करते। अब आखिरी सवाल, कोलाबा कॉजवे या सरोजनी नगर? सच बोलूँ तो मैं बोलूँगी सरोजनी नगर, क्योंकि मुझे सरोजनी से बहुत प्यार है, पर कोलाबा मेरा प्रिय है और मेरा घर है, तो मुझे लगता है कि मुझे कोलाबा बोलना चाहिए। तो मैं अब क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में, जैसे हम बोलते हैं मैं
मैं टॉर्न हूँ, मैं फटी हुई हूँ, मुझे पता नहीं किस साइड पे जाऊँ. दिल से बोलूँगी तो कुलाबा, दिमाग से बोलूँगी तो सरोजनी. तो दोस्तों ये था शेरी को पूछो, और मुझे आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आया और आप इसको अंगूठा देंगे, बड़ा बड़ा अंगूठा. और नीचे भी लिखिए आपको क्या पसंद आया, या आपके कोई और प्रश्न हो तो नीचे छोड़ दीजिए. टाटा.